कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस नाभा हल्के दे पिंड थूही दे सरकारी स्कूल दे विच दौरा करन दे लई पहुंचे, जिथे उन्होंने प्रिंसीपल दे नाल अते होरना अध्यापकां दे नाल मुलाकात करके बच्चियां दे भविख बारे जानकारी ली। तुहानू दस दईए कि इस मौके ते हरजोत सिंह बैंस ने आप खुद मन्निया कि सिक्ख्या दे खेतर दी जेकर गल कीती जावे तां पिछोकड़ दे विच पंजाब दा बुरा हाल सी, क्योंकि धरनिआं दा ही है जिहड़ा पिछला दौर गया, क्योंकि अध्यापकां ने भी अपनियां मंगां जिहड़ियां सामने रखियां सी उह पूरियां पिछलियां सरकारां वल्लों नहीं सी कीतियां जा सकियां, जिसनूं ध्यान दे विच रखदे होए हुण दी मौजूदा सरकार है जिहड़ी अध्यापकां दा बच्चियां दा पूरा ध्यान रख रही है अते कोशिश कर रही है कि सिक्ख्या दे मियार नूं उच्चा चक्किया जा सके। इस मौके ते नाल ही उन्हां ने बच्चियां दे मापिआं नूं भी यह अपील की है कि प्राइवेट स्कूलों की थान अपनियां फीसां खराब करन दी जगह ते तुसीं अपने बच्चियां नूं सरकारी स्कूलों दे विच पढ़ाओ, क्योंकि हुण दे जिहड़े सरकारी स्कूल ने उह प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई नूं अते खेडां दे खेत्र नूं भी मात पा रहे ने। साढ़े टीचर्स मैं तक से जो सिक्ख्या मंत्री किया, मैं हमेशा कहता रहा कि हुण तक इस महकमे दी सिर्फ माड़ी खबर सिर्फ धरनिया करके मशहूर सी। मैं तो हमेशा ये गल कही इनू सिर्फ धरने वाला महकमा समझिया गया, ये तो देखिए नहीं गया कि कहड़ा टीचर है जिहड़ा स्कूल छुट्टी होने तो बाद भी स्कूल ही रहिंदा, अपनी तनखा भी डोनेट कर, उन्हां दी कहानियां कदी नहीं बाहर आईयां थोड़े सामने ने जी। जिहड़े हरिंदर जी ने इन्हें नहीं स्कूल, इस तो पहला 5 स्कूल होर वालिया साहब ने, होर भी इदा बहुत टीचर ने पंजाब, हर जिले सानू इदा ने 5-7 टीचर मिलेंगे जिन्हें अपने बलबूते पिछलियां सरकारां ने कभी कोई सार भी नहीं ली, कभी कोई आके भी नहीं देखिया, पर अपना अपना फर्ज समझते हुए, अपना धर्म समझते हुए बच्चों नाल प्यार करते करते थोड़े सामने है जी। तुम सब लोकल इतों के सन्मानयोग पत्रकार हो, थोड़े सामने तो देखा होगा कोई प्राइवेट स्कूल इतों का मुकाबला नहीं कर सकता, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इतने मिल रही उत्थे जो मर्जी कर लें, इदा की ना पढ़ाई ना इदा की खेडा सुविधा। तो अज मैं पटियाले आया तो मैनू इच्छा हुई कि मैं क्योंकि चंगे स्कूल देखांगे तो कि इदा के मॉडल सब जगह इंप्लीमेंट कर सकीए। पंजाब के सारे 19,000 स्कूल ठीक करने ने, बहुत कमियां ने, बहुत माड़ा हाल है कई स्कूलों का बिल्कुल, पर उन्हें सुधारांगे। तो इतों अपने टीचर्स तो ही सीखना है कि इन्होंने किवें मोटीवेट किया पिंड वासियों, तो मेरी हुण दूजी बेनती है कि पिंड वासियों कि इस पिंड दे विच वध तों वध बच्चे अपने बच्चे तुसीं इस स्कूल च भेजो। मैं बतौर सिक्ख्या मंत्री कह रहा कोई प्राइवेट स्कूल थानू फीसां बर्बाद करने की लोड़ नहीं, ये वाला जिहड़ा स्कूल है इत्थे साडी गरंटी है कि थोड़ा बच्चा सही हत्थां च है, पढ़ाई पक्खों भी ते खेडां पक्खों भी, तो जरूर इतने भेजो तो आले दुआले के जिन्हें होर सरकारी स्कूल उन्होंने भी ठीक करा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इंडोर स्टेडियम है, तुम सफा साफ सफाई देखो, जिम देखो, वॉशरूम देखो, प्राइवेट स्कूलों के वॉशरूम भी इन्ने साफ नहीं होंगे, बच्चों का वॉशरूम बहुत साफ है, वेंडिंग मशीन ने साढ़े सामने देखो, ग्राउंड हॉकी इस पर भी बच्चे खेड रहे हैं, कोच खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हॉकी के साढ़े, तो वो आप ट्रेनिंग देंगे ने, इतों के हैडमिस्ट्रेस बहुत चंगे ने, तो एक पूरा स्टाफ है। तो जो तुम किसी भी इमारत बढ़ते हो थानू उतों पता लग जाता उत्थे दी जिहड़ी किरण है, तो स्कूल जिद्दां तुसीं बढ़ते हो तो पता लगता कि बहुत पाक पवित्र इस जगह पर कृपा, इस करके अपने बच्चों इतने जरूर किमें लगता किस तरह देखते हो जिम्मे पंजाब के टीचर देखना चाहिए जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, सारी मेहनत कर सारे देखो जी, मैं थोड़ा ये दसदा 90% टीचर चंगे ने, सिर्फ कुछ टीचर ने जिन्हों का काम है उन्होंने जो मर्जी कर लो यूनियन, बाकी सारे 90% टीचर्स मैं जानता बहुत मेहनती ने, उन्हों की कहानी अज तक नहीं आई, टीचर्स बहुत चंगे ने जी, सिर्फ कुछ बंदे इस महकमे बदनाम करते हैं, मेजोरिटी चंगे ने, तो वो पढ़ाते ने कोलों बच्चे वर्दियां भी लैके, कोई वध करता कोई घट करता, बहुत चंगे ने जी। तो लोड़ है कि हुण उन्होंने करके ही है जो भी अच्छी देख रहे हो सिक्ख्या के महकमे से सुधार आ रहा, उन्होंने बुलवा आ रहा, पिछले छुट्टियां सी ऑनलाइन क्लासा लाइया, सवेरे बच्चों को फोन करते हैं, बहुत चंगा काम सौ तो बाद बच्चे स्टेट खेल चुके हैं स्कूल के लिए होर थोड़े वालों की मैं आऊँगा जी, मैं कोशिश करूँगा, मैं अज क्योंकि सिर्फ मैं नहीं चाहता कि वो लाना वाला काम हो ठोस गल करूँगा, मैं जाके चेक करूँगा जे एस्ट्रोटफ का प्रोविजन है, क्योंकि साढ़े को इंटरनेशनल साढ़े टीचर उन्हें जो इंटरनेशनल प्लेयर ने बच्चे हूँ भी खेड रहे हैं, तो यह स्कूल डिजर्व करता है एस्ट्रोटफ लिए, मैं ये कोशिश करूंगा, तो मेरी दिल की इच्छा होगी कि टेस्ट टफ लगे। जिन्हें खस्ता हालत कि ग्रांट आ रही है, बहुत ग्रांट आई जी, 365 स्कूलों तो अभी टोटली जिन्होंने कहते हैं कि पूरे ढा के नवा बनाना वो है, 1820 नवे कमरे आ रहे हैं जी, इस तो अलावा 200 करोड़ जो तक पिछले बजट ही नहीं कभी खर्चा गया पिछली साल, मैं तो वो भी जो पिछलिया सालों चो नहीं खर्चा पैसा वो भी खुर्च खुर्च के उन स्कूलों से ला रहे हैं, तो जो देखी चलो आने वाले 2-3 साल थानू दिसूगा। तो प्लस थानू भी बेनती है तुम जो किसी स्कूल जाते हो खास करके अज ही मैं ये गल किया खास करके जो बॉर्डर के स्कूल ने हरियाणा के नाल लगते बॉर्डर के स्कूल ने पाटन वाले उन्हों की बहुत ही खस्ता हालत है उन्होंने बेल्टा की, तो उन्होंने स्पैशल कुछ ना कुछ हो सुरेंद्र गरेवाल वास्ते की कहना मैं कहूँगा जी, सानू माण है, मैनू माण है कि मैं उस महकमे का मंत्री हाँ जिते इदा के मुलाजम हाँ, बहुत शानदार।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਓ, ਵਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਸੀ ਸਮੂਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ।